ब्यूटीफुल पीपल क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू स्कूबी डूबी डू। तो भाई लोग आज हम सुनने वाले हैं रफ्तार का एक गाना, गाना नहीं है बेसिकली, ये मैंने रफ्तार का चैनल खोला है और इस पे लिखा हुआ ट्यून फॉर योर फोन एल जी टून इंडिया फर्स्ट 99.99% बैक्टीरिया फ्री एट ईयरबड्स ब्रो। सो ये एक कमर्शियल एड हो सकता है, हाँ एड ही हो सकता है क्योंकि 1 मिनट 32 सेकंड का है। देखो रफ्तार के जो गाने आ रहे हैं ना वो बहुत स्लो आ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो लेवल से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो लेवल साइड में मैं जाता नहीं हूँ भाई, मेरा मेरे को होता है कि भाई मैंने नहीं जाना, ये मेरा ये इस चैनल पर लेबल नहीं आएगा जो मर्जी मुझे। लेबल का मतलब हिप हॉप का लेबल और चीज़ होती है और जो लेबल ये मूवीज़ और ये जो गानों की लग रहा मंबल रैपर, सो इंडस्ट्री जो होती है इंडस्ट्री यूनस की तरह इस पर, समझ रहे हो तुम। तो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को, चेक करते हैं कि कैसे मुझे ऐड से ना याद आ गया, कृष्णा का ऐड याद आ गया। तो कृष्णा का ऐड अच्छा था या रफ्तार का ऐड अच्छा था ये चेक करते हैं। ओब्वियसली अब लड़की नज़र आ रही है तो ग्लैमर है, तो भाई हम तो थर्की हैं, हम तो ठरकी है, हमें तो पसंद आएगा। खैर चेक करते हैं कि हिप हॉप को कैसे कमर्शियल एक कमर्शियल के अंदर डाला गया और कैसे पिरोया गया लफ्ज़ों को। यार एक तो लफ्ज़ बड़े मैं हैवी लेके आ रहा हूँ आजकल। स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को, चेक करते हैं बाबा जी। तो सारे हुए अप पर कहीं भी ना जाना पड़े अब आई मेरा प्लान मेरे कान में क्लब और प्यार की थोड़ी गप शप she like it private hush hush love थोड़ी shy chick love from the future height। इतने मजे की चीज है कि यार देखो एड है एक कानों में डालने चाहिए लेकिन लड़की साथ रखी हुई है। ये तुम भाई बिजनेस तुम देखो कि मतलब कोई लेना देना नहीं है उसका, जस्ट वो खूबसूरत है और हमें उस चीज़ से मतवजा, मैं देख भी उसको ही रहा हूँ, रफ्तार को नहीं देख रहा, शर्म नहीं आती। खैर भारत स्टार्ट हुआ है एक एंथम बीट के साथ। आजा मैं दिखा दूँ माई टेक स्टीरियो साउंड और हाइजेनिक भी 99.9% बैक्टीरिया। ऑनेस्टली गाना मजे का लग रहा है। रफ्तार तो भाई वो लग रहा है टिकटॉकर लग रहा है, लेकिन टिकटॉकर भी अच्छा है भाई। इसका टिकटॉकर के साथ एक गाना भी आना था ना कोई, वो एक फैजू करके टिकटॉकर है उसके साथ है ना, या कुछ आना था ब्रो, वो इन लोगों ने आपस में फोटो डाली थी। एनीवेज ब्रो छोटा गाना है और मैं ना असल में बैठा था रफ्तार की वीडियो बनाने, भाई हमने कहा रफ्तार के ऊपर वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसने भाई कुछ चीज़ डाली है तो मुझे अभी ढूंढनी पड़ेगी वो क्या चीज़ डाली है, वो देख कर हम फिर कल इंशाल्लाह डालेंगे क्या बोलती पब्लिक डालेंगे भाई। सीरियसली ये इस तरह की ऐड अगर देखना ज़्यादा मुतवज्जा नहीं करते, लेकिन क्योंकि अगर आप रैप को सुनते हो तो आपके जहन में ज़रूर आएगा कि एक रैप को कमर्शियल मिल रहा है, आर्टिस्ट को एड्स मिल रहे हैं और उस एड में उससे वो चीज़ कराई जा रही है जिसका वो माहिर है। मतलब मैंने देखा है कि इंडिया के अंदर ये चीज़ें शुरू हो चुकी हुई हैं कि कमर्शियल तो है भाई लेकिन उसके अंदर यूज़ होते हैं अच्छे लिरिक्स, ये बात है। इससे मतवजा खींचना होता है अपनी तरफ और लोग इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं, ना कि अब कुछ और चीज़ें दिखाने की ज़रूरत है। खैर इस पर हमें इतनी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि यार ये अच्छा चीज़ है कि बंदे को ना डांस भी आता है, रैपर भी अच्छा है, कॉन्ट्रोवर्सी में भी है, दाम भी कमा रहा है, ताला तो ताला ये तार तो कट्टे चल रहा है। मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते कि इसके पास स्किल्स हैं, मतलब ये बोलना भी, मतलब एक्ट कर सकता है, डांस कर सकता है, रैप कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, मल्टी टैलेंट ऑलराउंडर ब्रो। हाँ सो मिलता हूँ आप लोगों को यार किसी अगली वीडियो पे, और कृष्णा आई एम सॉरी बिलो मोरी तुम्हारा जो ऐड था वो बहुत फजूल था ब्रो, बहुत फजूल था। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, ये नया ट्रेंड चल पड़ा है कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देखे स्पेशली ये जब से रील्स शुरू हुई थी उसके बाद से इंस्टाग्राम, क्योंकि अब
होने शुरू हो गया हुआ है, रैंडम एक बंदा बैठे उठाए एकदम आपको पता है हिट हो जाए तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। तो अब वो उस तरह वो ऐड था, लेकिन वो थोड़ा अलग किस्म का था, वो एक बड़ा अच्छा तरीका है कि इंस्टा पे डालो और आपको एक ऐसे चुम्मी वाली रीच होती है। सो हाँ, बता रहा हूँ किसी अगली वीडियो पे क्या बोले हम, ये फ्री मिलेगा, ये फ्री मिलेगा, मैं ये मैं फ्री मिलेगा नहीं मिलेगा बाबा जी, यस कमांड।